बोलो कभी बोलिए आवाज यारी की लगी आवाज यारी हरे कृष्ण ओम ज्ञान निर्भिरामदस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय यस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सभा तो ठाकरे बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 और एक बार जोर से हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे श्री गुरुदेव की जय। हम लोग गुरु वैष्णव के आनुगत्य में श्री ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते अभी जहाँ पहुंचे हैं ये स्थान का नाम बिहारवन है। क्या नाम है? बिहारवन। कहते ये बिहार का मतलब क्या होता है? कहते बिहार का मतलब क्या होता है? ठीक छोड़ दो सब बात हो जाती है। कहते बिहार का मतलब होता है लीला करना, खेला करना। इसलिए ये भगवान कृष्ण का लीला स्थली है। कृष्ण यहीं पर गैया चराने के लिए अपना ग्वाल बालों को साथ में आते थे। पहले तो कृष्ण बछड़ों को साथ में पहले बछड़े चराने के लिए गए हैं, लेकिन जब वही बछड़े जब धीरे धीरे बड़े हो गए ना, वही बछड़े जब बड़े बड़े हो गए फिर और वो किसको साथ में जाना नहीं चाहते। कभी जाएंगे तो कन्हैया को साथ में जाएंगे, हैं? जाएंगे तो कृष्ण को साथ में जाएंगे, और किसको साथ में हम चलेंगे नहीं। इसलिए अभी प्रश्न है, कृष्ण पहले बछड़े चराते थे, उसको बाद में धीरे धीरे गैया चराना शुरू कर दिया। बोले क्यों? बोले जब कृष्ण बछड़े चराया करते थे वो घर के आसपास में ले जा करके सखाओं के साथ में खेल कूद कर आ जाते थे। लेकिन कृष्ण जब थोड़ी सी बड़े हो गए और धीरे धीरे गोपियां भी धीरे धीरे बड़ी हो गई, अभी पिता माता को साथ में तो राधा रानी को साथ में गोपियों को साथ में वो मधुर लीला कर ही नहीं सकते हैं। कृष्ण ने देखा अभी नंदगांव से अभी वृंदावन से दूर जाना पड़ेगा, तभी हम ये गोपियों को साथ में राधा रानी को साथ में हम लीला कर सकते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण यहीं पर सखाओं को साथ में गैया चराने के लिए यहीं पर आते थे। आकर के जो कुंड है इसका नाम है बिहार कुंड। क्या नाम है? बिहार बिहार कुंड। इसी कुंड में आप लोगों ने कभी कुंड में स्नान किया हो? कौन कौन किया हो? हाँ किए होंगे ना। कभी खेलेंगे नहीं कुंड में? देखना पानी में, पानी में कभी लुकोचोरी कभी खेलते है ना, इसलिए इसमें कभी कभी कृष्ण सखाओं के साथ में लुकोचोरी खेलते थे राधा रानी को साथ में। कहते भैया कौन कितने समय तक पानी में डूब करके रह सकता है, कौन कितने समय तक? कृष्ण तो नटखट है, हाँ वो तो टेढ़ा है, वो कृष्ण क्या करता है शर्त लगाते हैं, हैं? कौन कितना समय डूब कर रह सकते हैं? कृष्ण क्या करते हैं, डूब तो जाते हैं थोड़ी देर बाद उठ जाते हैं, उठ करके देखते हैं कोई उठा कि नहीं, कोई उठे नहीं, कोई उठने से पहले कृष्ण उसको पहले डूब जाते हैं, हाँ उसको पहले ही कृष्ण डूब जाते हैं। इसलिए ऐसे ही कृष्ण इसमें कभी कभी लीला करते थे, और कभी कभी राधा रानी को साथ में जब अभी तो कभी अभी भी थोड़ी बहुत यहाँ पर वृंदावन की देखो झांकी देखने को मिलता है ना, ये बिहार वन ही ऐसे के स्थान है, यहाँ के भक्त लोगों ने अभी भी वन को थोड़ी सी सुरक्षित रखे हैं। लेकिन अभी तो सारे पेड़ पौधे सब जगह पे जो कट गए सब के सब,
यहाँ पर तो चारों तरफ में पेड़ देखो, वो पेड़ का नाम कदम पेड़ है। पेड़ का नाम क्या है? जैसे राधा रानी गोरी है ना, देखो पेड़ का रंग भी गोरा। देखो एक पेड़ पीछे देखोगे उसका नाम तमाल वृक्ष है। कृष्ण जैसे काले हैं और तमाल वृक्ष भी काले हैं, हैं काले हैं। इसलिए उधर देखोगे एक तमाल एक कदम, एक तमाल एक कदम, मतलब एक राधा एक कृष्ण, एक राधा एक कृष्ण। यहाँ पर भगवान कभी सखाओं के साथ में रास भी, गोपियों के साथ में रास किया है। इसलिए यहाँ पर उसी समय जोग माया है, जोग माया भगवान की सारे लीला को पुष्टि करने वाले जोग माया। इसलिए जोग माया कृष्ण लीला के लिए इतने सुंदर सरोवर बनाया करती थी जिसमें राज हंस क्रीड़ा करते थे। चार तरह का कमल का फूल खिला रहता था, नील कमल, श्वेत कमल, लाल कमल, सफेद कमल, चार तरह का कमल फूल खिलता था। कभी कभी कृष्ण राधा रानी के अंदर में है लुकोचोरी, कभी कभी था ना राधा रानी को कहते बोले राधा रानी कैसे पहले जाकर छुपेगी, अगर कृष्ण नहीं पकड़ पाएगा ना फिर कृष्ण को चोर बनना पड़ेगा है। इतने में जो कमल फूल होता था, एक पीले रंग के कमल फूल होता है, राधा रानी देखने में कैसे है बोले तप्त तो कांचन गौरांगी राधे वृंदावन सुरी। राधा रानी का जो अंग है एकदम एकदम जैसे जैसे सोने को गर्म कर दो ना तपा दो जैसे रंग है, राधा रानी का शरीर एकदम गोरी है। राधा रानी क्या करती थी, जहां पर वो कमल फूल होता था कौन सा रंग पीले रंग की, उसको अंदर में चली जाती थी, जा करके राधा रानी उसको अंदर में छुप जाती थी। इसलिए भगवान को जो उदाहरण दिया ना बोले नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिनी, नमो पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजाग्रह। ये कौन कह रहे, कुंती कह रही है। भगवान के सारे शरीर को कमल को साथ में उदाहरण देते हैं, उनका मुख कमल, हस्त कमल, नाभि कमल, चरण कमल, नेत्र कमल, सब कमल कमल। भगवान के शरीर में आठ कमल है, कितने कमल है, आठ कमल है। इसलिए राधा रानी क्या करती, उसको अंदर में जाकर के ना जहाँ पर एकदम पीले रंग की कमल, राधा रानी का मुंह भी देखने में कमल है, एकदम गोल है कमल जैसे, राधा रानी जाकर के ना मुंह को ऐसे करते हुए एकदम पानी के अंदर में खड़ी हो जाती है कमल को बीच में। वो लगता है जैसे राधा रानी का मुंह कमल, अभी कृष्ण ढूंढते हैं राधा रानी का, राधा रानी का, राधा रानी का, और राधा रानी मिलती नहीं, क्योंकि कमल के साथ में राधा रानी का मुंह तो बराबर हो गया, वो पता नहीं चल रहा राधा रानी का। लास्ट में कृष्ण कहते हैं राधे मैं तो हार गया, तो जीत गई तुम, कहां तू प्रकट हो जा। इतने में राधा रानी कमल वन से प्रकट होती थी। अभी कृष्ण जाकर छुपते थे, अभी राधा रानी को ढूंढना। कृष्ण का रंग कैसे है, काले है, नील रंग है, नील कमल होता था। राधा कृष्ण जाकर क्या करते थे, नीम कमल को अंदर में छुप जाते थे और अपना मुंह को इसी तरह खड़े कर देते थे। अभी राधा रानी ढूंढती कहाँ श्याम सुंदर कन्या कहाँ है, और ढूंढते ढूंढते कृष्ण कमल और एक ही उनको मुंह कमल, अभी वो मिले ही नहीं। इतने में राधा रानी कहते हैं श्याम सुंदर तू कहाँ, मैं हार गई हूँ, तू पकड़ प्रकट हो जा। फिर कृष्ण कमल को अंदर से कृष्ण प्रकट होते थे। इसलिए बिहार वन में कृष्ण, ये बिहार कुंड में कृष्ण तरह तरह का जल विहार करते थे, नौका विलास करते थे, नौका विलास करते थे। इसलिए ये कुंड का नाम भी बिहार बने। यहीं पर कृष्ण सखाओं के साथ में जब आते थे, जब कृष्ण बंसुरी बजाते थे, बंसुरी बजाते ही सारे वृक्ष का अपने आप सारे फल फूल खिल जाता था, क्योंकि वृंदा देवी ने भगवान की मधुर लीला को पुष्टि करती हैं। इसलिए कृष्ण बंसी ध्वनि सुन करके सारे पेड़ पौधा हरा भरा, क्यों, भगवान कृष्ण आ रहे। जब आते हैं ना इतने में सारे वृक्षों से भगवान बंसी ध्वनि सुन करके मधु झरने लग जाता था। लेकिन कृष्ण जब फिर चले जाते थे ना सारे पेड़ पौधा मुरझा जाते थे कृष्ण, क्योंकि कितना वृंदावन के वृक्ष को मरम ना जाने कोई डाल डाल और पत पत में श्री राधे राधे। यहाँ के जो वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि सबके सब यहाँ पर वृक्ष। इसलिए जितने लता पता, ये कोई साधारण लता पता नहीं, वृंदावन की लता पता भी साधारण नहीं। ये लोग बड़ी बड़े बड़े सौभाग्यवान जो वृंदावन की लता पता बने भगवान की। इसलिए कृष्ण यहीं पर आकर कभी कभी सखाओं के साथ में, कृष्ण यहीं पर ग्वाल वालों के साथ में गैया चराया करते थे। जैसे कभी मेढक जैसे टट्टर करते वो भी टट्टर करने लग जाते, जैसे मयूर जैसे पंख खोलते सखा लोग पंख खोलते हैं, जैसे गैया चढ़ते हैं, जैसे घोड़ा, ऐसे जैसे बच्चे लोग खेलते हैं ना ऐसे ही। अगर कृष्ण अगर दूर में चले जाए ना, इतने में सारे सखा भागते हुए कन्या हमसे दूर चले गए, फिर जोर से भागते हुए जाकर कृष्ण का स्पर्श करते हैं। इसलिए गोपियां कहती हैं हमारे बेणियों गीत में, राधा गोपियां राधा रानी घर में बैठी हुई और यहाँ पर कृष्ण सखाओं के साथ में लीला कर रहे हैं, और वहीं पर बैठ करके अपना दिव्य नेत्र से दर्शन करते हुए कृष्ण की बड़ी सुंदर रूप
वर्णना करते थे, बोले वृंदावनम सखी भुव बीतनोति कीर्ति। हाँ, राधा रानी कहती है देखो वृंदावन कितने सौभाग्यवान है, कितने वृंदावन सौभाग्यवान। बोले क्यों? बोले जितने भगवान के अवतार हुए ना, सबने सब पादुका धारण ग्रहण किया है, लेकिन एक कन्हैया ऐसे हुए कभी पादुका उन्होंने नहीं पहने। कृष्ण जब गैया चराने के लिए आ रहे थे, मैया यशोदा बोली लाला तेरे लिए दो जुती और एक छत्री बना देती हूँ। बोले मैया हम गोपाल है, गैया हमारे इष्ट है, हमारी जो गैया जो इष्ट है उनकी छत्री जुती नहीं, हम उनकी सेवक कैसे छत्री जुती कैसे धारण कर सकते हैं। कृष्ण ने कहा देख मैया अगर मेरे लिए जूती बनाओगे ना, हर गैया के लिए चार चार जूती बना दे और एक एक छतरी बना दे, फिर मेरे लिए भी छतरी जूती बना दे। इसलिए कृष्ण कभी भी प्यार में जूती नहीं पहने, कभी छतरी धारण नहीं किया कृष्ण। इसलिए जब कृष्ण वृंदावन में आते हैं, गोपियां कहती हैं वृंदावनम सखी भूव बितनोति कीर्ति। देखो ये वृंदावन धाम कितने महिमा, क्यों? कृष्ण जब चलते है ना, कृष्ण के चरण में उन्हीं से चिन्ह है। कितना चिन्ह है? चिन्ह कृष्ण के चरण में। जब भगवान चलते हैं ये पृथ्वी की बख्य स्थल के ऊपर में, भगवान की जब चरण पड़ता है, उच्चरण क्या है? बोले जत्ते भी समाधि सु विधिर भी बस्यति नतव नखाग्र मरिचि। जिस चरणों को पाने के लिए ब्रह्मा शंकर नारद कठोर तपस्या करते हैं, लक्ष्मी तपस्या करती हैं, भगवान जब ऐसे चलते हैं उनका चरण स्पर्श कहाँ? पृथ्वी को प्राप्त होती है। पृथ्वी को प्राप्त होते कृष्ण का चरण में उन्हें से चिन्ह है। जब कृष्ण ऐसे चलते हैं ना, पृथ्वी के ऊपर में सारे चरण चिन्ह पृथ्वी पर छाप छाप पड़ जाती है। पृथ्वी इतने प्रसन्न इतने खुश हो जाती है। इसलिए कहते हैं उसमें जो घास है ना, बोले ये घास नहीं, जैसे प्रेम से किसी की रोंगटे खड़े हो जाती है, मानो ये पृथ्वी प्रेम से रोंगटे खड़े हो गई। कभी जो झरना बहती है, बोले झरना नहीं, जैसे कोई प्रेम से आंखों से जैसे आंसू झरती है ना, ऐसे पृथ्वी की आंखों से ये आंसू झर रही है। इसलिए कृष्ण जब चलते हैं, कहते वहां पर कृष्ण कहते स्वयं गिरिराज गोवर्धन कहते अपना जीवा का निकाल देती। बोले क्यों? बोले कृष्ण चरण कितने सुंदर है, कृष्ण का चरण कितने सुंदर, उनकी चरण में कोई कष्ट नहीं पहुंचे, इसलिए ये पृथ्वी गिरिराज गोवर्धन अपना जीवा निकाल देती। बोले प्रभु आप मेरे जीवा के ऊपर, जीवा कितने गुदगुदी, जीवा गुदगुदी है ना, इसलिए कितना गुदगुदी है, और पृथ्वी भी अपना हृदय को बिछा देती, प्रभु मेरे हृदय के ऊपर आप चरण रखो। इसलिए यहीं पर कृष्ण सखाओं के साथ में, कभी सखियों के साथ में, कभी राधा रानी को साथ में, यहीं पर कृष्ण बड़ी सुंदर प्यारी प्यारी लीला की। इसलिए कृष्ण जब बंसी ध्वनि करते थे, बंसी ध्वनि सुन करके कृष्ण का रंग मेघ का रंग बराबर है ना, कृष्ण रंग मेघ, इसलिए इतने में आकाश में मेघ छा जाता था। बोले क्यों? बोले कृष्ण मेरे दोस्त है, मेरा रंग और कृष्ण का रंग, कृष्ण रंग और मेघ रंग बराबर है। आकाश में जैसे छतरी धारण करते हैं, मेघ उनको बड़े छतरी धारण करते हैं, और फुवारा में जैसे स्नान करते हैं ना, कृष्ण को बड़े सुंदर सुंदर फुवारा बरसाते हैं, मेघ फुवारा बरसाते हैं। इसलिए कृष्ण की बंसी ध्वनि सुन करके यहाँ पर जो कोयल हैं, जो तोते हैं, ये सब सब मुनि बन करके वो कृष्ण की बंसी ध्वनि को कानों से पान करती हैं, और यहाँ के जो वृक्ष है ना प्रसन्न हो जाती है। इसलिए कभी कभी गोपियां कहती देखो यहाँ के जो बांस है, जो बांस जो वृक्ष है, और यहाँ का जो वृक्ष कितने सौभाग्यवान, कितने सौभाग्यवान। बोले क्यों? बोले यहाँ पर जो कमल फूल खिल रहे हैं, बोले ये फूल में ये कमल फूल क्यों खिल रहा है? गोपियां कहती है इसमें कमल फूल क्यों खिल रहे हैं, और ये वृक्ष से ये मधु क्यों झर रहा है? तो गोपियां उदाहरण देती है, कृष्ण जब बंसुरी बजाते हैं, बंसुरी है क्या? बोले बांस का एक एक टुकड़ा है, बांस का एक टुकड़ा है। अगर किसी वंश में कोई एक साधु जन्म ग्रहण कर लेना, वो वंश का कितना पुण्य है। कहते कुलम पवित्रम जननी कितार्था वसुंधरा वसतिश्च धन्या। किसी कुल में अगर एक वैष्णव पुत्र जन्म हो जाए ना, कहते उसकी 21 पीढ़ी उधार हो जाती है, और जिन माताओं ने वो बच्चे को जन्म दिए वो माता की कोख भी धन्य हो जाती है। हैं? कहते जितने पूर्वज लोग पहले चले गए, नृत्य स्वर्ग, स्वर्ग में हाथ उठा उठा कर नाचना शुरू कर देते, हमारे अहोभाग्य है हमारे वंश में भक्ति करने वाले बच्चे जन्म हुए, इस बार कोई चिंता नहीं हमारे उद्धार हो जाएगी। मतलब वसुंधरा जो पृथ्वी है, वो पृथ्वी भी अपना अपने को धन्य मानती, हमारे कितने भाग्य है, हमारी कोख से एक संत जन्म हुए। इसलिए कहते जो बांस का जो वृक्ष है ना,
उसका एक टुकड़ा ये बांस कृष्ण जी से बंसी को बजाते हैं, इसलिए कहते बांस से ये जो मधु क्यों झरता है, इसलिए कहते उसकी बंस का एक टुकड़ा है ना, जैसे किसी माँ का बच्चा अगर भजन करे, जैसे माँ प्रसन्न हो जाती है, भैया बच्चे मेरे भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, उसी तरह आंखों से जैसे आंसू बहती है, कहते उसी तरह वो वृक्ष से क्या हो रहे हैं, मधु झर रहे हैं। कहते भैया पानी में फूल खिल, फूल क्यों खिल रहा है, ये पानी में ये कमल फूल क्यों खिल रहा है, उसका कारण कहते हैं वो खिल नहीं रहा है, हंस रहा है, क्या कर रहा है, वो खिल नहीं रहा है, वो हंस रहा है। बोले भैया ये कमल फूल क्यों हंस रहा है, क्या कारण, बोले कारण है जो वृक्ष है वो कैसे जिंदा रहता है, जैसे एक बच्चा मैया का दूध पी करके जिंदा रहता है ना, मैया का दूध पान करती है तभी वो जिंदा रहता है। कहते जो पेड़ है ये पेड़ जिंदा कैसे हुई, तालाब का पानी को पी करके ये पेड़ जिंदा हुआ है, तालाब का पानी पीकर मतलब उसको स्तन पान करके ये पेड़ जिंदा हुआ है, इसलिए ये कमल फूल खिल रहा है, देखो मेरे पानी चुके पी करके तभी तो बांस का पेड़ बड़ा हुआ और एक टुकड़ा कृष्ण उसको बजा रहे हैं, तभी तो टुकड़ा किसकी, बांस पेड़ की, और पेड़ जिंदा कैसे हुई, बड़ी कैसे, बोले पानी पी करके, इसलिए वो जो पानी है ना वो पानी फूल रूप में हंस रहा है, वो पानी फूल रूप में हंस रहा है ये पानी। इसलिए यहीं पर कृष्ण गैया चराते समय सखाओं के साथ में तरह तरह का विहार करते थे, इसलिए स्थान का नाम क्या पड़ गया, विहार बन नाम पड़ गया। जब हम लोग आ रहे थे ना एक गांव को पार करते हुए आए, उसका नाम खेलन वन, क्या नाम है, खेलन, कृष्ण खेलते थे। तो गुरुदेव एक सुंदर स्टोरी सुनाते थे, स्टोरी ये है, अभी राधा रानी कृष्ण को साथ में मिलते थे, अभी उनकी शादी नहीं हुई, कृष्ण को साथ में मिलते थे, मिलने का वजह से अभी बगैर शादी में अगर कोई मिले दुनिया बदनामी करते हैं, शादी नहीं हुई आपस में वो मिल रहे हैं, अभी दुनिया राधा रानी की बड़ी बदनामी करती है, और राधा रानी का जो डायरेक्टर जो शादी है ना कृष्ण को साथ में नहीं हुई, किसको साथ में, एक अभिमन्यु है जिसका नाम आयना घोष था, उसको साथ में शादी हुई, और उनकी ननंद और सास ननंद का नाम क्या बोले, जटिला और कुटिला, क्या नाम है, जटिला मतलब क्या, जट बगाना, कुटिला मतलब कुट 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 कर देना। अब पता होगा सास ननंद कितना तेज होता है, आपको पता होगा भारत में सास ननंद कितना तेज है, कहते ये जोग माया ने सब काम करवाया, क्यों, अगर राधा कृष्ण की शादी हो जाएगी ना डायरेक्ट, फिर कृष्ण को साथ में मिलने का उत्कंठा खत्म हो जाएगी, इसलिए जोग माया ने किया कि राधा रानी की जो छाया को, असली राधा रानी नहीं, राधा रानी का जो छाया को उनने शादी करवा दिया, इस वजह से ये आयना घोषों को साथ में, और जटिला कुटिला हर समय उनके कलंक, हर समय बदनामी करते हैं, अगर राधा रानी आने में देर हो क्या बात है, कहां गई थी, क्या हो रही थी, क्या कर रही थी, हाँ हर समय, क्यों, जो चीज पाने में, इसलिए पर क्या प्रेम में एक चीज दुर्लभता, दुर्लभता मतलब होता है आसानी से जो चीज तुम्हें मिल जाएगा ना, घर को सामने गंगा बह रही है तो नहाएगा नहीं, अगर कोई कीचड़ बह रहा है ना 1000 किलोमीटर वहां जाकर गोता लगा कर आ जाओगे, हमारे सामने यमुना बह रही ना, यमुना कहते यमुना की कितना महिमा पता है, गंगा के जितने महिमा उसका 100 गुण ज्यादा महिमा सिर्फ यमुना की, आप बताओ तो कौन कौन यमुना में अभी तक स्नान किया, सही बताओ कोई झूठ बता, अभी तक भी यमुना में नहाई नहीं, क्यों, सामने यमुना बह रही है ना, इसलिए उसका अगर दूर से आती ना नहीं एक दिन के लिए, बोले भैया चलो यमुना में नहाएंगे, चलो वृंदावन का पूरा परिक्रमा लगाएंगे, इसलिए जो चीज आसानी से मिलता है ना उसका महत्व नहीं देते, जो चीज दुर्लभता से मिलते हैं उस चीज महत्व, इसलिए जोग माया ने किया कि ये दुर्लभ प्रेम को स्थापन करने के लिए उत्कट ठाकुर ने कृष्ण से शादी नहीं करा के आयना घोष में शादी करा दिया, उसका सास ननद का नाम जटिला और कुटिला, ये दोनों राधा रानी की बड़ी बदनामी करती हैं, बोले हमारे घर की जो बहू ना दो चार चरित्र है नहीं, पता नहीं कहां कृष्ण के साथ में घूमती फिरती रहती है, सारा दुनिया में इसकी बदनामी करती है। एक दिन राधा रानी बड़ी दुखी हो गई, दुखी होकर कृष्ण को बोले कृष्ण ये जो मेरे सास और ननद है ना ये मेरी बड़ी बदनामी कर रहे हैं, तुम इसको कुछ उपाय करो, बोले कोई चिंता मत करो मैं उसका उपाय कर रहा हूँ। इतने में कृष्ण तो राजा का लड़का है ना, कृष्ण ने बहाना बनाया, मेरे को बुखार हो गया है, सर दर्द है, अभी वैद्य को बुलाए, वैद्य कौन, बोले पौर्णवासी जोगमाया, जोगमाया कौन जो राधा कृष्ण को मिलन कराती है, बोले देखो इनका बुखार सही हो सकती है, बोले कैसे, बोले एक ब्रिज बननी चाहिए, एक ब्रिज यमुना नदी के ऊपर ब्रिज, वो ब्रिज कैसे होनी चाहिए, बोले केस की, किस चीज की, केस की ब्रिज होनी चाहिए, बाल की ब्रिज होनी चाहिए, केस की, इसलिए वो जो ब्रिज है वो ब्रिज के ऊपर में कहते जो सती नारी होगी ना और एक कलसी होगी जिसमें 1000 छेद हो, लेकिन उसमें पानी सब नहीं भर सकते हैं, वो ब्रिज के ऊपर में सब नहीं चल सकते हैं,
अगर कोई सती नारी होगी ना, वही केवल ये बाल जो ब्रिज उसके ऊपर चल सकती है, और वही केवल जमुना की पानी जो कलश में हजार छेद हो वही केवल पानी भर सकती, और कोई नहीं भर सकते। ये काम कौन कर सकती है? अभी तो सबके सब डर गए, अभी तो पता चलेगा ना कौन सती असती। बोले देखो ये जो जटिला गुटिला है ना, ये ज्यादा राधा रानी के विषय में उल्टा उल्टा बोलते हैं, पहले इनका परीक्षा किया जाए। और वो तो बड़े छाती पर हाथ पीट कर कहते जगत में अगर सती नारी हम दोनों माँ और बेटी, बोले पहले ये दोनों का परीक्षा की जाए। इतने में जटिला गई, जटिला जाकर जो पानी में कलसी को उन्होंने कलसी में पानी को डुबाया ना, और जो उठाया सारे पानी निकल गया, और सारे ब्रज के लोग वहां पर इकट्ठे थे, इकट्ठे करके सबके सब बदनामी किए, ये असती नारी है, ये सती नहीं। फिर कुटिला को भी गई, उसको भी यही से हुआ। अभी कोई तो डर के मारे जाए नहीं, बोले अभी कौन जाएगा, अभी कोई जाए नहीं। सब सबके सब बोले केवल श्री राधा रानी को ही भेजा जाए। तब राधा रानी जा करके उन्होंने बोले हे श्याम सुंदर, अगर मैं कभी भी तेरे सिवाय अगर मैं और किसी को नहीं जानती हूँ, तन मन में तू केवल मेरे ही हृदय में बैठे हुए हो, इसलिए मैं तेरे नाम को लेकर के पानी भर रही हूँ। और जो केस का जो ब्रिज के ऊपर राधा रानी चली और बीच यमुना में वो कलसी को डुबा करके उन्होंने जो उठाई, उसमें एक भी पानी बूंद नहीं गिरी। सब दुनिया देख देख कर हैरान हो रहे थे, बोले एक भी बूंद पानी नहीं मिली। और जितने ब्रजवासी ना बड़े जोर जोर से ताली बजाए, श्रीमती राधा रानी की की पूरा ब्रज में हला हो गया। भैया अगर कोई सती नारी है ना, कौन है? राधा रानी। कौन है? राधा रानी। जोर से बोलो राधा रानी। इसलिए वृंदावन में किसका नाम लेते हैं? राधे। और जोर से बोलो राधे राधे। इसलिए सब श्री राधा रानी का नाम लेते हैं। इसलिए भागवत में बताया जीवा असती दार दुर्गा एव सुत नच उपगायन्ति उरु गायकः। सती नारी तो वही है जो कृष्ण को ही जीवन का सर्वस्व माने। इसलिए कहते ना ऐसे बर को क्या भरे जो जन्मे और मर जाए, बर बरी और गोपाल जो सो चुड़ल अमर हो जाए। इसलिए आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे कैसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में सती नारी कौन है? जो केवल भगवान कृष्ण को ही, राधा रानी नहीं। सती नारी वही है जो केवल जीवन में कृष्ण को ही अपना पति माने। लेकिन देखो इसी जगत में हम शादी करते हैं, दो दिन बाद में शंका टूट जाती है, मांग मिट जाती है। लेकिन कब तक ये शंका टूटते रहेगी, मांग मिटते रहेगी? जब तक असली पति भगवान कृष्ण को जब तक पति ने रूप में वर्णन नहीं करोगे। इसलिए रुक्मिणी कृष्ण को पास में पत्र लिखते, बोले प्रभु ये जगत में पति कहने वाले कोई है नहीं। पति मतलब क्या? पा मतलब पालन करना, ती मतलब संसार से त्राण कर ले। संसार में हमें कौन पालन करते और कौन त्राण करते हैं? मतलब भगवान है। इसलिए रुक्मिणी कह रही, बोले प्रभु हम जो इसको पति कहते हैं ना, कभी ये शरीर को कहते, लेकिन शरीर की चीज में टाटी पेशाब खून पीक माल मूत्र से पेट को फाड़ दो ना, सब यहाँ से भाग जाएंगे, सब भाग जाएंगे, कोई यहाँ नहीं बैठेगा। ये शरीर को, ये रुक्मिणी कह रही, मैं नहीं कह रहा, ये शरीर को हम क्या कह रहे हैं? पति कह रहे हैं। लेकिन एक दिन बाद सब खत्म, कि वो टाटी पेशाब का थली है ना, उसे पति कहने का तो लाएगी नहीं। इसलिए रुक्मिणी कहते, बोले प्रभु केवल पति तो आप हो, जब तक आपको कोई अपना पति रूप में वर्णन नहीं करते ना, तब तक शंखा टूटते रहेगी, मांग मिटते रहेगी। लेकिन जब तुम्हें एक बार, इसलिए कहते ना ऐसे बर को क्या बरे जो जन्मे और मर जाए, बर बरी और गोपाल जो सो चुड़ल अमर हो जाए। केवल पति भगवान कृष्ण है, जब तक हम लोग उनको प्राप्त करते, हम जो भक्ति कर रहे हैं ना, कारण यही है हम गोपी भाव से गोपियां जैसे कृष्ण को प्रेम की, कब हम गोपियां जैसे बन करके गोपियों की अनुगत में बन करके राधा जी की अनुगत में कब कृष्ण सेवा करेंगे, हमारी यही भावना। हम भी जो भजन कर रहे हैं ना, यही गोपी स्वरूप को पाने के लिए।
कृष्ण की सेवा करना चाहते, इसलिए आप लोग भी यहाँ से एक ही भाव भर करके जाना, हम भी गोपियों की अनुगत्य में हैं, गोपियों की अनुगत्य में हम भी जुगल सरकार की सेवा की हमारे काम हमारी अधिकार मिलेगी, इसलिए इसका नाम बिहार बन है, जहाँ पर भगवान बड़ी सुंदर सुंदर बिहार बन ने लीला की थी, इसलिए स्थान का नाम बिहार बन। ठीक है, लिताई गौर ब्रह्मानंदी हरि हरि बोल, लिताई गौर ब्रह्मानंदी लसे बिहार बन की जय। सुंदर गोपाल प्रभु जी थोड़ी कथा सुनिए। यहाँ पर जो गौ माता है ना, देखो आप लोगों ने थोड़ी थोड़ी गौ माता के लिए बाबा लोग गैया को पालना कर रहे हैं अंदर में, गाय ही गाय बैठ जाओ इधर, आप लोग जाते समय कुछ कुछ गौ सेवा के लिए सबके कुछ कुछ दे कर जाना। ठीक है बाबा। हरे कृष्ण। अभी महाराज जी कीर्तन गा रहे थे ना, आओ मेरी सखियों मुझे, कितने लोग चाहते हैं मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, हाथ ऊपर करो। देखो फिर उसमें आगे एक पंक्ति आती है, सतगुरु ने मेरी खीर सजाई। तो वो कैसे सजाते हैं? वो सजाते हैं ये माला देके। कैसे सजाते हैं? ये माला देके, गली में कंठी माला देके। होता है ना मंगल सूत्र, तो ये जो कृष्ण की जो गोपी बनना चाहते हैं उनपे मंगल सूत्र है। क्या? तुलसी की कंठी माला। और जिसके गले में ये बोलते हैं ना विधवा और सधवा होता है ना, तो विधवा और सधवा का क्या है, जो विधवा होती है वो श्रृंगार नहीं करती, लेकिन जो जिसकी जिसका पति है वो तो श्रृंगार करती है ना, तो जिन जिनके पति कृष्ण है वो तो ये श्रृंगार करते हैं, गले में कंठी माला और ये वाली माला और तिलक, तिलक सबसे मुख्य तिलक जैसे होते हैं ना, मांग भरते हैं तिलक। लेकिन जिन्होंने अभी तक कृष्ण को अपना पति नहीं बनाया उनका ललाट कैसे है? तिलक ही नहीं है, गले में कंठी नहीं है, ये वाली भी माला नहीं है। इसलिए इस कीर्तन का जो वास्तविक अर्थ है वो ये है कि हमें भगवान का भजन करना पड़ेगा। इसलिए जिन जिन लोगों के गले में कंठी माला नहीं है, तिलक नहीं है, जो लोग माला नहीं करते आज जरूर ले लेना। ठीक है। अब वो हाँ प्रभु जी कह रहे हैं छोटी भी, वो पुरुषों के लिए, स्त्रियों की तो होती है, लेकिन अभी 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 पता है क्या है, पहले पुरुषों को बोलना पड़ता था छोटी रखो, अब स्त्रियों को भी बोलना पड़ता है, क्योंकि स्त्री लड़का बनना चाहती है छोटियां काट देती है। हमारे देखें हम लोग ऐसे उत्तरी धारण करते हैं, देखा है उत्तरी, तो हमारे परमेश्वर प्रभु से किसी ने आके पूछा आप लोग ये उत्तरी क्यों धारण करते हो, दिल्ली की किसी माता ने पूछा, उन्होंने बोला तुमने जो पहननी छोड़ दी ना इसलिए हम पहनते हैं। देखो शिला गुरुदेव की हेतु ही कृपा से हम जिस स्थान पे आए हैं बिहार वन, वन वन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नहीं फॉरेस्ट, जंगल बोलते हैं ना फॉरेस्ट। तो देखो जो जंगल है वो अच्छी जगह या गंदी जगह? जंगल तो अच्छी जगह नहीं होती, जंगल में अगर जाओ तो किसी को डर लगता है? नहीं लगता, जंगल में जाने से बहुत डर लगता है पता है, लेकिन जितने भी ब्रज के वन है वो ऐसे वन नहीं है। ये जो ब्रज के वन है ये कैसे हैं, इसके लिए शिला सनातन गोस्वामी पाद जी बृहद भागवतम अमृतम बताते हैं, रक्षणम पालनम यस्मात तत्र वृंदावनम, कि ये जो वन है ये ऐसा वन है जो संसार में सब लोग डरे हुए हैं। इस संसार में सब लोग किससे डरे हुए हैं? मृत्यु, जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, डर है या नहीं है? कह रहे हैं जो इस जगत में हर जगह से डरा हुआ है, जब वो इस इन वनों का आश्रय लेता है तो ये वन क्या करता है, उसकी रक्षा करता है, उसकी पालन करता है। बताया कि ये वृंदावन तो ऐसा है, ये जितने ब्रज के वन है, कि साधारण जीव का तो कहना ही क्या, यहाँ तक कि जो भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण का भी ये ब्रज क्या करता है, पालन पोषण करता है। इसलिए जो वृंदावन है, वृंदावन के जितने भी ब्रज हैं इनकी अनेक अनेक महिमाएं हैं। गुरु जी की एक मैं रिकॉर्डिंग सुन रहा था जिसमें गुरु जी कह रहे थे कि हम सब लोग भजन करते हैं, क्या करते हैं, ब्रज मंडल की परिक्रमाएं करते हैं, हरिनाम करते हैं, मंदिर दर्शन करने जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखो गुरुजी ने बोला इफ मूड ऑफ सेपरेशन इज नॉट कमिंग, इफ मूड ऑफ सेपरेशन इज नॉट कमिंग योर भजन इज यूजलेस। अगर इतना करने के बाद भी तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति मूड ऑफ सेपरेशन नहीं आ रहा, विरह का भाव नहीं आ रहा, तो तुम्हारा भजन यूजलेस है, किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। फिर गुरु जी कह रहे हैं कि उसको 10 में से कितने पॉइंट दूंगा, 2, 3, 1 कुछ, तो गुरु जी कह रहे हैं 0, 0। अगर तुम्हारे को इतना भजन करने के बाद भी कृष्ण के प्रति तुम्हारे हृदय में विरह नहीं आ रहा, तो गुरु जी कह रहे हैं कि तुम्हारा भजन क्या है, 0। अब खुद सोचो क्या हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति मूड ऑफ सेपरेशन आ रहा है, तो हमारा भजन कैसा हुआ, 0। जो कर ही नहीं रहे उनका तो छोड़ दो, जो कर भी रहे हैं तो देखो, तो इससे पता चलता है कि हम किस स्तर पे हैं। तो बताया कि स्तर कैसे बढ़ेगा, जितनी भी ये जो सारा धाम है, ये सारा का सारा धाम कैसा है, अभी रास्ते में माधव पी प्रभु जी प्रश्न पूछ रहे थे गाड़ी में, कह रहे थे बताओ कि हम लोग इन स्थानों पे क्यों आते हैं, किस कारण से आते हैं,
क्या वहां पे पेड़ पौधे नहीं है? इतनी दूर आए हैं, पेड़ पौधे तो हर जगह मिल जाएंगे। भारत में मंदिरों की कमी है, मंदिर भी हर जगह मिल जाएंगे, तालाब भी हर जगह मिल जाएंगे, और हो सकता है यहाँ से अच्छे तालाब भी देखने को मिल जाए। क्यों आते हैं? बताया कि ये धाम कैसा है। शीला भक्ति मनो ठाकुर जी अपने कीर्तन में बताते हैं, विरजा रफ उपारे शुद्ध पर व्योम धाम, तदुपरि श्री गोकुल वृंदा अरण्य नाम। कह रहे कि विरजार उपरे, ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड पंच तत्व का बना है, धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इसके ऊपर एक विरजा नदी है। ये विरजा नदी क्या करती है? इस भौतिक जगत को और चित जगत के बीच की एक वो मान लो बॉर्डर है, यानी कि जो विरजा नदी इस जगत और उस जगत के बीच की एक सीमा है। जब आप इस विरजा के पार चले जाते हो तो वहां पे धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश कुछ नहीं है, वो है चित जगत। और ये क्या है? जड़ जगत। ये है जड़ जगत, वो है चित जगत। बताया उसके ऊपर भी जाओगे तो एक परव्योम धाम है, यानी कि वैकुंठ, जहां पे भगवान नारायण रहते हैं। तद ऊपर ही श्री गोकुल वृंदा अरण्य नाम, और उसके भी ऊपर जो एक धाम है उसको बोलते हैं श्री गोकुल वृंदावन। तो बताया वो जो गोकुल वृंदावन है वो कैसा है? वृंदावन चिंतामणि चित आनंद रत्न खानी। कह रहे वृंदावन कैसा है? वृंदावन चिंतामणि, वो जो धाम है वो चिंतामणि का है, वो कोई मिट्टी का नहीं बना, वो कोई पत्थर का नहीं बना। कैसा है? चिद आनंद रत्न खानी। और वहां पे क्या है? चिद आनंद रत्न, वहां पे एक रत्न है, वो क्या है? चिद आनंद, यानी कि वो पूरा का पूरा धाम चिंतामणि है। ताही माजे चमत्कार कृष्ण वनस्पति सार। और उस वृंदावन धाम के अंदर फिर एक चमत्कार देखो कि उसके अंदर वनस्पति सार स्वयं श्री कृष्ण विराजमान है। और ये जो वृंदावन धाम है जिसमें अभी हम बैठे हैं, और जो बताया जो कि वैकुंठ के ऊपर जाके भगवान का जो गोलोक वृंदावन धाम है, उसमें और इसमें क्या कोई अंतर है या नहीं है? बताओ। नहीं है। बताया दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये वही वृंदावन धाम है, ये वही चिंतामणि स्थान है। जैसे देखो एक उदाहरण, शालिग्राम शिला क्या है? शालिग्राम शिला क्या है बताओ? उसको विष्णु जी का स्वरूप बोलते नहीं बोलते? अब अगर हम उसको देखें तो हमें वो विष्णु नजर आते हैं? हमें नजर आता है शंख चक्र गदा पद में कुछ नजर आता है? लक्ष्मी जी नजर आती है? हमें तो कुछ नजर नहीं आता। हमें क्या नजर आता है? वो पत्थर नजर आता है? नहीं आता। अगर हमारे सामने कोई यमुना जी का जल एक गिलास में ला के देते हमें क्या समझ में आएगा? वही पानी है। वो भी पी के बोलेंगे तो खराब पानी, इससे अच्छा तो बिस्लेरी का पानी है। लेकिन नहीं, वो क्या है? गंगा जल है, यमुना जल है। तो ये जितनी भी वस्तु है इसको अच्छी तरह समझो, ये सारी की सारी वस्तु कैसी है? चिन्मय। क्या है? चिन्मय। और हम लोग क्या है? जड़। तो जड़ वस्तु अप्राकृत वस्तु नहीं प्राकृत गोचर। जो अप्राकृत वस्तु है उसको हम कभी भी अपनी इंद्रियों से ग्रहण नहीं कर सकते। हम शालिग्राम शिला को भी देखेंगे तो हमें क्या नजर आएगा? पत्थर। गंगा और यमुना क्या नजर आती है? जल। तुलसी क्या नजर आती है? तुलसी तो बताया एक वृंदा देवी है जो कृष्ण की लीलाओं में बहुत उनकी सहायता करती है। हमें क्या नजर आती है? पेड़ नजर आती है। ये हमारी आंखों का दोष है क्योंकि हम लोग इस जड़ जगत में हैं। लेकिन जब लोग हम भजन करेंगे, भजन करते करते करते, अभ्यास करते करते क्या होगा? तब जाके इन वस्तुओं की कृपा प्राप्त होगी और तब कुछ अनुभूति हो सकती है। इसलिए हम लोग इन स्थानों पे इसलिए आते हैं बार बार कि हम इस स्थान से कृपा मांगे कि आप हमको ऐसी कृपा करो कि हमें यहाँ की सारी लीलाओं के दर्शन हो। यहाँ पे भगवान कृष्ण की बड़ी बड़ी सुंदर लीलाएं हुई है। जैसे महाराज जी बता रहे थे यहाँ पास में बड़े सुंदर सुंदर गांव हैं। एक यहाँ पे गांव है थोड़ा आगे जाके खमेरा। खमेरा वो गांव है जो कि ब्रज की आखिरी सीमा है। जब ब्रजनाथ जी 84 कोस ब्रज की पूरी सीमा निर्धारित कर रहे थे तो वहां पे उन्होंने खंभे लगा दिए और उसका नाम हो गया खमेरा, यानी कि ये ब्रज की सीमा है। फिर यहीं पे पीछे एक गांव और है जिसका नाम है खरेरा। खरेरा क्यों? बलराम जी जब यहाँ पे आए उन्होंने सब ब्रजवासियों से उनका मंगल पूछा। तुम खैर से तो हो, बोलते हैं ना तुम खैर से तो हो, तो उसका नाम हो गया खरेरा। तो यहाँ के जितने भी गांव हैं उन सारे के सारे गांव भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली से ही उनके नाम है। ब्रज में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ भगवान की लीला नहीं हुई हो। जैसे भी हम रास्ते में आ रहे हैं हमें दोनों तरफ क्या नजर आ रहा है? खेती नजर आ रही है। लेकिन नहीं, यहाँ के जितने भी धाम है सारा का सारा धाम, सारी एक एक जगह जो है सारी कृष्ण की लीलाओं की स्थलियां हैं। लेकिन कुछ अभी हमारे सामने प्रकाशित हुई है, कुछ नहीं हुई है। यहाँ पे एक बड़ी सुंदर लीला आती है कि जब कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे और एक तरफ गोपियां खेल रही थी, तो कृष्ण गोपियों के साथ आके बोले कि मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। तो गोपियां बोली देखो हम तो पाशा खेल रहे हैं। पाशा समझते हो क्या होता है?
पाशा कहते हैं ना, चेस जैसा होता है पाशा, हाँ क्या बोलते हैं उसको, चौसठ चौसठ चौपड़ जो, हाँ तो बोले कि मैं भी तुम्हारे साथ खेलूंगा। तो गोपियां बोली अरे तू ये हमारे साथ खेल नहीं सकता, क्यों, क्योंकि इसको खेलने के लिए क्या चाहिए, दिमाग चाहिए, और तू तो पूरे दिन गाय चराता रहता है, तो जो पूरे दिन पशु के साथ रहता है वो ये दिमाग वाली कैसे खेलेगा, इसलिए तू तो केवल क्या खेल सकता है, तू केवल मल युद्ध कर सकता है, क्योंकि मल में क्या चाहिए, शरीर का बल चाहिए, उसमें दिमाग का बल नहीं चाहिए, इसलिए ये तुम खेल नहीं सकते। तो कृष्ण कहते हैं नहीं मैं तो खेलूंगा। तो वहां पे गोपियां कहती है नहीं नहीं तुम्हारे बस की नहीं है, तुम जाओ। तो वहां पे कृष्ण राधा जी से और गोपियों से प्रार्थना करते हैं मैं खेलूंगा, और गोपियां उनको मना करती है। उतने में ही क्या होता है, उतने में ही कृष्ण के एक सखा मधुमंगल आते हैं और कृष्ण के कान में आके कुछ चूचू चूचू करके चले जाते हैं, और जैसे ही कृष्ण सुनते हैं उनके कान खड़े हो जाते हैं, तो वो गोपियों को बोलते हैं अच्छा तुमने मुझे नहीं खिलाना ना, मत खिलाओ मैं भाग रहा हूँ यहाँ से। कृष्ण चले जाते हैं। अब गोपियां देखती है कि वैसे तो ये बहुत हमसे प्रार्थना करता था कि मेरे को अपने साथ खिलाओ, अपने कुंज में आने दो, लेकिन आज मधुमंगल ने इसके कान में ऐसा क्या बोला, कुछ तो दाल में काला है, कि हम सबको छोड़ के भाग गया। पता लगाते हैं कि क्या क्या हुआ है। उतने में ही क्या होता है कि जब ये पता लगाने के लिए सब गोपियां जाती है, उतने में कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण पूर्णमासी देवी के पास जाते हैं। पूर्णमासी देवी उनको कान में एक मंत्र दे देती है। अब वो क्या करते हैं, एक कुंज में जाके चुपचाप ध्यान लगा के मंत्र में सिद्धि करके, ऐसे होते ना योगी बाबा बैठे होते हैं ऐसे बैठ जाते हैं। अब सारी सखियां जाती हैं, पता करो कृष्ण कर क्या रहा है। बोला कृष्ण तो आज एक कुंज में चुपचाप बैठ के किसी से बात नहीं कर रहा, मौन धारण करके क्या कर रहा है, एक मंत्र जप कर रहा है। तो सब सखियां सोचती है कि कोई ना कोई तो गड़बड़ है, कोई इसको ऐसा मंत्र मिला होगा। तो एक राधा जी को भेजते हैं, राधा जी आप पता करके हो क्या है। तो राधा जी उस कुंज में चुपचाप से जाती हैं, कृष्ण से पूछती हैं भाई क्या बात है। कृष्ण कहते हैं देखो एक मंत्र है, वो मैं तुम्हें तुम्हारे कान में दूंगा, किसी को बताना नहीं। क्या मंत्र है, कृष्ण उसके कान में दे देते हैं राधा जी के, और राधा जी के कान में मंत्र देने के बाद क्या करते हैं, राधा जी को भी पूरा कृष्ण की तरह से जा देते हैं और कहते हैं यहीं पे बैठ के क्या करो, मेरे साथ साधना करो। अब उस कुंज में दो कृष्ण हो गए, एक तो कृष्ण हो गए और राधा जी भी क्या बन गई, कृष्ण बन गई, दो दो कृष्ण वहां बैठे हुए हैं। अब ललिता देखती कि अभी तक राधा जी आई क्यों नहीं, विशाखा को भेजती, विशाखा तू देख क्या। अब विशाखा जब कुंज में जाके देखती है भाई यहाँ तो दो दो कृष्ण है, राधा जी तो है ही नहीं। अब वो सोचती ये क्या हो गया, हमारी राधा कहाँ गई, दो कृष्ण कहाँ से आ गए। तो जो कृष्ण है ना असली वाले कृष्ण, वो विशाखा को इशारा करके अपने पास बुलाते हैं और बोलते हैं सुन मैं ना राधा हूँ, और ये जो कृष्ण है ना कृष्ण, इसने मुझे पता नहीं कैसा मंत्र पढ़ा, मुझे कृष्ण बना दिया, मैं राधा थी उसके मंत्र से मैं कृष्ण बन गई। अब तू एक काम कर चुपचाप हम पीछे चलते हैं। तो उसको पीछे ले जाते हैं और फिर कृष्ण क्या करते हैं, उसको भी कृष्ण बना देते हैं, उसको भी पूरा मंत्र देके बोलते हैं तू भी बैठ जा मेरे साथ अब साधना कर। एक एक करके सब गोपियां आती रहती है, सबको क्या बना देते हैं, एक एक करके सबको ऐसे करके कृष्ण बना देते हैं। और फिर बाद में जब ललिता आती है, क्योंकि ललिता कौन है, ललिता जो है बड़ी प्रगल्भा है, यानी कि वो सब गोपियों को, सब गोपियों में सबसे उम्र में बड़ी है, तो सब उसका अनुगत्य स्वीकार करते हैं। फिर जब ललिता आती है, फिर क्योंकि जब कृष्ण बोल रहे थे मेरे को पाशा खेलने जाने, तो ललिता ही सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी, फिर जाके ललिता जी को सारी बात पता चलती है कैसे ये कृष्ण थे और कैसे इन्होंने इस प्रकार की लीलाएं करी। तो यहाँ पे भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर मधुर मधुर लीलाएं हुई है। लेकिन हम लोग कैसे हैं, हम लोग कैसे हैं, हम लोग इस संसार के दावर रंग में पड़े हुए हैं, लेकिन ये लीलाएं ब्रज की बहुत ऊंची लीलाएं हैं, बहुत उच्च कोटि की लीलाएं हैं। अगर हम लीलाओं को भी सुनते हैं तो हमें क्या लगता है, साधारण पुरुष स्त्री के, लेकिन नहीं, ये भगवान की बहुत ऊंची लीलाएं हैं, जिस लीला में ब्रह्मा जी को, शिव जी को, उद्धव को, किसी को प्रवेश नहीं मिला, तो बताओ क्या हमें मिल सकता है। सोचो, जहां ब्रह्मा जी नहीं जा सकते, लक्ष्मी जी नहीं जा सकती, क्या हम लोग जा सकते हैं, लेकिन हाँ, क्यों, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण जब इस कलयुग में आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो महाप्रभु ने क्या किया, ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम सब कार्य आचे, जो एक ऐसा प्रेम जो ब्रह्मा जी को भी नहीं मिला, ये जो ब्रज का प्रेम है चैतन्य महाप्रभु ने आके हमें दिया है। लेकिन उसकी एक विधि बताई है, क्या, कि अगर आप लोग इस संसार के दुख से बचना चाहते हो और इस ब्रज के रस में प्रवेश करना चाहते हो, तो उसकी विधि क्या है, उसकी विधि बड़ी सिंपल विधि है, क्या, ए घोर संसारे पड़िया मानव ना पाए दुखे र शेष, साधु संग करी हरि भजे यदि तबे अंत है क्लेश। देखो कितना सिंपल है, कुछ नहीं करना, क्या करना है, ए घोर संसारे पड़िया मानव, हम सब लोग इस घोर संसार में पड़े हुए हैं ना, कह रहे हैं अगर इस घोर संसार से बचना चाहते हो तो क्या करो, साधु संग करी हरी भजे यदि, बस साधु संग करो और हरि का भजन करो। अभी क्या है कि हम साधु संग में तो जाते हैं लेकिन हम भजन ही नहीं करना चाहते, तो वो साधु संग होता नहीं है। इसलिए हम सबको क्या करना है, इन सारे स्थानों पे आके सीखो कि हमें क्या करना है, भगवान का भजन करना है। अगर यहाँ पे आने के बाद भी भजन नहीं किया, समझ रहे हो,
अगर यहाँ पे आने के बाद भी जिसने भजन नहीं किया फिर वो इस जन्म में तो भजन कर ही नहीं सकता। क्योंकि जब मैं सबसे पहले नवदीप परिक्रमा गया था तो मैंने देखा कितने सारे भक्त लोग हैं, कितना कथा हो रहा है, पूरा दिन कीर्तन हो रही है, सब लोग धाम की परिक्रमा कर रहे हैं। उसको देख के अपने आप मन में आता है कि मैं भी क्या करूंगा, भजन करूंगा। अब परिक्रमा में आने के बाद भी अगर हमारा भजन नहीं बढ़ता, हम लोग भजन नहीं करते, तो इस जन्म में तो भजन होने ही वाला नहीं है। इसलिए इन सारे स्थानों में आके यही प्रार्थना करो कि कैसे मैं अपने भजन को बढ़ा सकूं। निताई गौर प्रेमानंदे। हाँ, और महाराज जी कह रहे हैं देखो जिसके पास माला नहीं है अभी तक वो जरूर माला लेके जाना, समझ रहे हो? नहीं तो ब्रज में आके क्या किया, बस खाए पिए और चले गए। अगर यहाँ पे आके भजन नहीं सीखा तो कहाँ सीखोगे, ब्रज में आके नहीं सीखा तो, और अभी तक भी नहीं सीखा तो फिर कब सीखोगे? इसलिए इन सारे स्थानों में आके क्या करना, अपने भजन को बढ़ाना। उस दिन भी उदाहरण दिया था ना, मच्छी वट में इस बच्चे से सीख लो, हमसे नहीं सीखना चाहते। तो ये देखो ये छोटा सा बच्चा है, सबसे छोटा तो यही है अभी यहाँ पे, मुझे लगता नहीं इससे कोई छोटा होगा। देखो ये भी माला करता है। अब देखो जिनके पास माला नहीं इससे कुछ सीख लो, ठीक है? गौर प्रेमानंदे हरी हरी बोल। अभी हम लोग चीर घाट जाएंगे। देखो कहते हैं जैसे यहीं से अगर अमेरिका जाना चाहते हो बैठो, जैसे रशिया जाना चाहते हो, लंदन जाना चाहते हो, बताओ तो आपके पास में क्या क्या चीज होनी चाहिए जा सकते हो? जोर से बोलो, पासपोर्ट और वीजा और पैसा, टिकट होनी चाहिए। क्या उसी तरह अगर हम गोलोक वृंदावन जाना चाहते हैं ना, हमारे पास में तीन चीज होनी चाहिए। पहला नंबर पासपोर्ट, बोले भैया पासपोर्ट क्या, बोले गले में कंठी, गले में कंठी जरूर होनी चाहिए। देखो ये जब महाराज खुद कह रहे हैं, बोले ललाटी तिलकम नास्ती, संस्कृत समझते हो, कंठ नास्ती त्रिकंठी का, ये जम स्वयं कह रहे, जम दूतो कह रहे। देखो जो भक्ति नहीं करते है ना उनको पकड़ पकड़ कर मेरे पास में ले आना। बोले भैया पता कैसे चलेगा कौन भक्ति करता है कि नहीं करता? तो उन्होंने बोला है देखो जैसे कि सधवा नारी सधवा स्त्री, कैसे पता चलता है ये सधवा? जैसे मांग भरती है, सिंदूर लगाती है, मंगल सूत्र पहनी है, नाक में बेसर पहनती है ना, चूड़ी पहनी, पता चल जाता भैया ये विधवा है, ये सधवा है। और जो विधवा उसका तो लक्षण है भैया, जगत जब तुम साधारण जगत का पति के लिए इतने श्रृंगार भर लिया तुमने, पति का बना शादी से पहले कोई मतलब था? बीच में झगड़ा कर डाइवोर्स हो गया तो गया, अगले दिन मरना तो गया तुम्हारी। भैया जब दो दिन के पति के लिए इतने मांग तुमने भर लिया, श्रृंगार भर लिया, जो तुम्हारी जन्म जन्मांतर के पति उसके लिए क्या तुमने धारण किया है? कोई चिन्ह है तुम्हारे पास में क्या? कोई चिन्ह नहीं। ये जम स्वयं कह रहे हैं, पहले नंबर है गले में तुलसी की कंठी होनी चाहिए। इसलिए जम महाराज एक उदाहरण दिया, बोले दो तरह के कुत्ते हैं, कितने तरह के? एक पालतू एक फालतू। बोले जब पालतू कैसे पता चलता है? बोले गले में पट्टा बंधा रहता है ना, देखने से पता चलता भैया किसी घर के कुत्ते। और जो फालतू बिना पट्टे के जो रोड रोड में घूमते हैं, देखना पालतू को कोई मारता नहीं और फालतू को कोई छोड़ता नहीं। इसलिए जिनके गले में तुलसी घंटी वो कौन हो गए? और जो नहीं है, इसलिए हमें फालतू नहीं होनी चाहिए, पालतू होनी चाहिए, ठीक है ना? गले में जरूर घंटी पहनना चाहिए, तुलसी घंटी को साधारण नहीं, ये माँ लक्ष्मी स्वयं है। कहते ना वृंदावन आए, वृंदावन मतलब क्या? वृंदावन, वृंदा मतलब तुलसी, बन मतलब बन, जहाँ पर तुलसी का बन वही ठाकुर जी। अगर गले में कंठी हो तो कौन हो गए? लक्ष्मी नारायण स्वयं हो गए, तुलसी में ही ठाकुर का निवास है। इसलिए गले में जैसे ठाकुर को जितने भोग लगाओ, जब तक तुलसी बता नहीं देते ना ठाकुर जी भोग नहीं लगाते, ठाकुर ग्रहण करते हैं नहीं ग्रहण करते हैं। उसी तरह कहते हैं जब तक गले में तुलसी कंठी नहीं होना ये शरीर ठाकुर को सेवा में लग ही नहीं सकता है। इसलिए वैष्णव जगत में नियम है, जब सर पर प्रथम आते हैं सबसे पहले उसको शुद्ध बनाते हैं, गले में कंठी माला डालकर पहले शुद्ध बनाएंगे, उसको बाद में फिर ठाकुर को सेवा में अधिकार। कहते जिनकी गले में तुलसी कंठी नहीं वो ठाकुर सेवा करने का अधिकार है ही नहीं। इसलिए गोस्वामी जी कहते पंच रचित तो ये अधम शरीरा, ये शरीर अधम है, टाटी पेशाब का थैली है, ये शरीर से ठाकुर को सेवा हम नहीं कर सकते। इसलिए क्या करनी चाहिए? गले में तुलसी की कंठी पहनना जरूर। देखो यहाँ पर कुछ अंग्रेजी लड़का है ना, देखो वहां पर कुछ अंग्रेजी लड़के वहां पर बैठे, हरे कृष्ण कम हियर, यार थ्री कन कम हियर, कम हियर। देखो ये लड़कों को देखो कितने जवान ही लड़के, देखो कितने उम्र के, देखो देख रहे हो, देख रहे हो इनको, ये देखो ये लोग है ना, देखो आप इनका चेहरा देख लो कैसे, अभी आर यू कमिंग फ्रॉम अमेरिका को सबसे समृद्धशाली मानी जाती है। गले में कंठी देखो है नहीं, कंठी तिलक देखो
हम तो हिंदू है, जो गले में देखो माला झोला, हम हिंदू है, हमें कोई पूछो तो गीता का कोई श्लोक बोलो, कोई बोल सकता है? केवल हमारे भक्तों को छोड़कर कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन कौन सा हीरो का नाम पूछो, हीरोइन का नाम सब याद, सारी गंदी चीज को हम याद करके, सारी उल्टा पुल्टा चीज को। लेकिन हम लोग क्या चाहते ना, पश्चिम शिक्षा, हाँ विदेश अमेरिका का शिक्षा तो सबसे पहले लेनी चाहिए, उनको जैसे रहन खाना पीना सोना। लेकिन ये उनका छोड़ करके देखो कैसे धोती पहने, देखना धोती कैसे पहने, देखो हाँ धोती कैसे पहने, स्टैंड हरि बोल, ये धोती पहने, देखो उनको आदर्श रूप में देखो, ये धोती पहने, लेकिन लेकिन धोती पहने, गले में कैंची माला तिलक, ये इसलिए हाँ इसलिए देखो ये चीज शिक्षा लेनी चाहिए। देखो हम लोग तो हिंदू है ना, हम लोग जो हिंदू बड़ी संस्कार लेकर कोई हिंदू जन्म पाता है, साधारण भाग्य से हिंदू जन्म नहीं लेता है। ये एकादश स्कंध में बताया देवता लोग भी भारत में हिंदू घर में जन्म लेना चाहते। बोले क्यों? बोले जितने भगवान राम कृष्ण कौन सा वंश में आए, हमारे हिंदू घर में आए। ये गंगा जमुना किसके है, हमारे। लेकिन ये लोग वो चीज के महत्व समझ कर हमारी संस्कृति को ले रहे, और हम लोग उनकी रहन सहन खान पान, अगर रुपया पैसा वो रहन सहन में सुख होता ना, ये कभी भी विदेश छोड़कर नहीं आते, कभी छोड़कर नहीं आते। वो बोर हो गए, जिस चीज को भोगने के लिए हम चाह रहे ना, वो सारे भोग को भोग करके आए। क्यों? देखा भैया भोग में शांति नहीं, शांति तो भगवान की भक्ति में। इसलिए दो तरह का आनंद है, एक तो स्पिरिचुअल और एक फिजिकल आनंद है। लेकिन स्पिरिचुअल आनंद वास्तविक आनंद है, इसलिए देखो कंठी तिलक माला, ठीक है ना, कम से कम इतना तो लेकर जाओ ब्रज से, कंठी माला तिलक कम से कम इतना लेकर के जाओ और भजन करो, और बच्चों को भी भगवान की भजन में लगाओ, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय।